कैसे बनाएंगे सर आप लोग? लाया जाए शिवसेना, क्या ये भूमिका निभाएगी कि टीएमसी और कांग्रेस को एक साथ लेके आया जाए, साथ लाया जाए? उनके लिए शरद पवार साहब काफी मजबूत है, बड़े नेता है। राहुल गांधी इस महीने मुंबई में आ रहे हैं, तो मुंबई में उद्धव जी से मुलाकात होगी? अगर उद्धव जी कामकाज शुरू करेंगे उस वक्त जरूर मुलाकात। और अब इसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब विपक्ष भी दो पाड़ होता नजर आ रहा है? मेरे साथ रमन कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमन, यही सवाल, क्या अब विपक्ष भी कांग्रेस को लेकर दो पाड़ होता नजर आ रहा है? देखिए, ममता बनर्जी के मुंबई में दिए बयान के बाद से जो टीएमसी और कांग्रेस के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई है। भले ही 12 निलंबित सांसदों में टीएमसी और कांग्रेस के सांसद भी हैं जो कि एक ही साथ बैठते हैं, लेकिन जब भी ज्वाइंट पीसी होती है, कोई मीटिंग होती है, उसमें टीएमसी के सांसद नदारद रहते हैं। और इसी सवाल को लेकर संजय राउत ने आज राहुल गांधी से करीब एक घंटे की मुलाकात की। मुलाकात में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, और लेकिन उसमें छाया रहा टीएमसी का मुद्दा। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं करता तो संदेश सही तरीके से नहीं जा पाएगा। बिल्कुल, और इसलिए ये संजय राउत का बयान इस प्रकार का सामने आया। संजय राउत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, इससे पहले जब उनसे पूछा गया था ममता बनर्जी के बयान पर, तब उन्होंने कहा था कि खुद